भारत के एक अधिकारी ने कहा प्रतिशोध डब्ल्यू के नियमों और अपील के खिलाफ है अगर ऐसा होता है तो हम उस विकल्प का भी पता लगा सकते हैं हम तैयार हैं और हर पहलू की जांच कर रहे हैं इतना ही नहीं उसी अधिकारी ने साथ में ये भी कहा कि हम भी स्टील पर अगर चाहें तो टी आर क्यूज यानी कि टैरिफ रेट कोटास के माध्यम से जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं जहां यूरोपीय संघ ने 25 परसेंट अतिरिक्त शुल्क लगाया था लेकिन हमने उस प्रतिशोध का प्रयोग नहीं किया है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर सो एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन कुछ ऐसे कानून लेकर आया है जिसके माध्यम से वो भारत से जो आने वाले एक्सपोर्ट्स हैं जो भारत से चीजें आने वाली हैं यूरोपियन यूनियन में उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और इसी के चलते इंडिया ने फाइनली ये फैसला किया है कि अब हम लोग उस कानून को चैलेंज करेंगे उस कानून के खिलाफ हम लोग भी कार्रवाई

टैरिफ्स लगाते हैं और इंडिया ने यहाँ पे क्या कार्रवाई करने का सोचा है वो भी आपके सामने डिस्कशन में लाया जाएगा आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं या फिर हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं ऑल्सो बताना चाहूंगा कि पांच आपके लिए दोस्तों एक अनोखी पहल लेकर आया है जिसके चलते आपकी संपूर्ण यूपीएससी सी एस एग्जाम की जो तैयारी है वो हम लोग करवा रहे हैं मात्र आठ में ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि आपको पूरे भारत में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है इसमें बैच के अंदर आपको की की तैयारी तैयारी करवाई करवाई जाएगी करवाई जाएगी और यदि आपका मेंस क्लियर होता है तो आपको इंटरव्यू की गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जा रही है इसमें नौ से भी अधिक घंटे का लाइव क्लासेस होगा जो कि आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथ ही में पाथफाइंडर की टीम के द्वारा आपके लिए एक फ्री टेस्ट आयोजित किया गया है जो कि आने वाले शनिवार के दिन यानी कि तेरह मई को होने वाला है एनरोल नहीं किया है जल्दी से एनरोल कर लीजिए टॉप रैंकर्स को काफी अच्छे इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा एंड दोस्तों पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो यूपीएससी सीएससी के पैटर्न के ही ऊपर बनाया गया है मॉर्निंग में आपका जीएस का पेपर होगा एंड इवनिंग में यानी कि पोस्ट नून आपका जो पेपर है उस का पेपर कंडक्ट किया जाएगा ऑल राइट right, तो यूरोपियन यूनियन का ये जो डोमेस्टिक लॉ है ये क्या है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के पास एक प्रवर्तन विनिमयन है जो इसे विश्व व्यापार संगठन अपीलियन निकाय यानी कि डब्ल्यूटीओ का जो अपेलेट बॉडी है उसमें अपील के जवाब में सीमा शुल्क या फिर अन्य प्रतिबंध लगाकर अपने अधिकारों को लागू करने की अनुमति देता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो बेसिकली आपको यह समझना है कि फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू में कोई केस चल रहा था जिसमें एक तरफ यूरोपियन यूनियन है और एक तरफ भारत है उस चल रहे केस में यूरोपियन यूनियन की तो हो जाती है जीत और भारत हार जाता है बदले में भारत क्या सोचता है कि हम लोग इस केस के खिलाफ एक याचिका दर्ज करते हैं एक अपील दर्ज करते हैं और उस केस में यूरोपियन यूनियन का ये कानून कहता है कि अगर कोई थर्ड कंट्री यहाँ पे याचिका दर्ज कर रही है तो हम लोग उस केस में डब्ल्यू को जवाबदेह नहीं है क्योंकि हमारे पास तो जी एक हमारा खुद का डोमेस्टिक कानून है और अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को लगा सकते हैं किसी भी कंट्री से आने वाले सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लगा सकते हैं इसमें जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो किसी भी तरह का शेप ले सकती हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सस्पेंशन ऑफ कंसेशन हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि आप इससे ज़्यादा मात्रा में सामान को नहीं लेकर आ सकते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक प्रोक्योरमेंट अलग अलग तरीके से बड़े ही कॉम्प्लेक्स तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जाता है ये सारा का सारा जो ब्योरा है बाय द वे ये दिया गया है कट्स इंटरनेशनल के जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर प्रदीप एस मेहता के द्वारा ना ये वाला जो कानून है अब आप खुद सोच लीजिए कि कितना एक्सट्रीम कानून है जो कि डायरेक्टली जो ग्लोबल ट्रेड लॉज होते हैं उनके खिलाफ जाता है इनफैक्ट आप ये भी सोचिए कि अगर ऐसा ही कानून कोई और विकासशील देश लेकर आता है या फिर कल को भारत ऐसा कानून लेकर आता है तो जो विकसित देश है वो तुरंत ऐसे कानूनों को बड़ी बड़ी बॉडीज में लेके जाकर उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हैं उसके खिलाफ चैलेंज भी करते हैं लेकिन इंडिया यूरोपियन यूनियन के इस कानून को लेकर अभी तक चुप था लेकिन अब इंडिया कंसिडर कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के इसी कानून को चैलेंज किया जाए सवाल यह आता है कि इंडिया अब इसको चैलेंज क्यों कर रहा है दोस्तों इंडिया चैलेंज इसलिए कर रहा है बिकॉज पिछले ही महीने की बात है डब्ल्यू में एक केस आया था जिसमें कि डब्ल्यू का जो पैनल था उसने इंडिया के खिलाफ रूलिंग दी थी ये केस क्या था ये केस बेसिकली ये था कि इंडिया के द्वारा असल में 2019 में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर विच इंक्लूड्स मोबाइल फोन्स और कुछ और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को लगाया गया था जिसमें कि इंडिया ने पहले 10 परसेंट की कस्टम ड्यूटी को लगाया था फिर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी को लगाया था उसके बाद बीस की कस्टम ड्यूटी को भी लगाया था जब ये सब कुछ हो रहा था तो यूरोपियन यूनियन ने दो में इंडिया की इस प्रक्रिया के खिलाफ एक केस दर्ज किया यह कहते हुए कि इंडिया जो कर रहा है वो ग्लोबल ट्रेड लॉस के खिलाफ है यूरोपियन यूनियन ने केस को दर्ज किया था और कई सारे देश यहां पर आकर के यूरोपियन यूनियन के साथ खड़े हो गए जैसे कि यूएसए चाइना सिंगापुर ताइवान कनाडा, जापान थाईलैंड ये भी कहने लगे कि जी हां इंडिया के द्वारा यहाँ पे गलत किया जा रहा है क्योंकि रूलिंग इंडिया के खिलाफ आई तो इंडिया ने कहा कि अब हम लोग जो है वो डब्ल्यू को भी चैलेंज करेंगे और यूरोपियन यूनियन का जो घरेलू कानून है उसको भी चैलेंज करेंगे जिसके चलते यूरोपियन यूनियन जब मन चाहे वो इस तरह की चीजें हमारे खिलाफ करता रहता है यही इंडिया का रिस्पॉन्स है और इस रिस्पॉन्स में इंडिया ने कहा है कि वी आर नाउ exploring the ways to counter the EU's domestic law which allows it to impose retaliatory tariffs against the European Union. इन्होंने कहा कि EU का जो लॉ है वो सीधा सीधा जो वैश्विक व्यापार के नियम है उसका हनन करता है उसका उल्लंघन करता है और ये अब एक नया मुद्दा बनने वाला है WTO के संगठन में जाकर के इन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ कि यूरोपियन यूनियन अपने इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है इसके पहले भी दो की बात है उस टाइम पर भी मार्च महीने की बात है 2022 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत से आने वाले जो स्टेनलेस स्टील के इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को लगा दिया गया था आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये 2022 की खबर है जब यूरोपियन कमीशन के द्वारा टैरिफ रेट्स डिसाइड किए गए थे जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम फोर से लेकर 21.4% के बीच में इसके बीच में कहीं पर भी हम लोग टैरिफ रेट्स को इंपोज कर सकते हैं जिसमें कि इन्होंने इंडिया की जानी मानी कंपनी जिंदल जिंदल स्टेनलेस स्टील एंड जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड के ऊपर 4.3 परसेंट का टैरिफ रेट इम्पोज किया था इंटरेस्टिंगली इन्होंने इंडोनेशिया के ऊपर उसी कार्रवाई में 21.4 परसेंट के रेट को इम्पोज किया था सेम चीज यूरोपियन यूनियन ने आज से तीन साल पहले दो में करी थी जब उन्होंने कुछ टैरिफ रेट कोटास को इम्पोज किया था स्टील इम्पोर्ट्स के ऊपर और उस टाइम पर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि देखिए यह एक लिमिट है क्वांटिटेटिव लिमिट रख दी गई है अगर इससे ज्यादा सामान बेसिकली इंडिया से आता है उसके ऊपर एक फ्लैट इंपोर्ट ड्यूटी 25 परसेंट की लगा दी जाएगी इंडिया अभी तक इस चीज को लेकर चुप था लेकिन अब जो भारत के अधिकारी हैं वो चुप नहीं रहना चाहते हैं उन्होंने कहा है कि देखिए प्रतिशोध डब्ल्यूटीओ के नियमों और अपील के खिलाफ है हम तैयार हैं और हर पहलू की जांच को भी कर रहे हैं साथ ही में कहा कि चाहे तो हम भी स्टील पर इसी प्रकार के टैरिफ रेट कोटास को लगा सकते हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन के द्वारा 25 परसेंट एक्स्ट्रा शुल्क लगाया गया था लेकिन हमने उस प्रतिशोध का प्रयोग नहीं किया है और इसीलिए इंडिया ने कहा कि देखिए प्रपोजल हमने भी रखा था टू मिलियन वर्थ ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज को लगाने का जिसमें कि ईयू से आने वाले जो गुड्स और आइटम्स हैं उनके ऊपर ये वाली हम लोग रिटेलिटरी ड्यूटीज को लगाएंगे लेकिन हम लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है नाउ द टाइम हैज कम कि हम लोग भी रिटालिएट करें बिकॉज यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है बताना चाहूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको और इसमें भी आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि डब्ल्यू का जो अपेलेट बॉडी है ना दोस्तों वो भी काम नहीं कर रहा बिकॉज अपेलेट बॉडी को काम करने के लिए एक मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए होती है जो कि उसमें अवेलेबल ही नहीं है और यहां पर एक और विकसित देश है दैट इज द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका जो कि अपेलेट बॉडी में जो मेंबर्स हैं जो उसके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति को ब्लॉक कर रहा है ये खबर आप देख लीजिए दिसंबर नौ दो की है तब से लेकर अब तक तब ट्रंप गवर्नमेंट थी इन्होंने ब्लॉक किया था इन्होंने कहा था कि डब्ल्यू हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है और हम लोग डब्ल्यू की अपेलेट बॉडी के जो जजेस हैं उनको अपॉइंटमेंट करने की नियुक्ति करने की हम लोग क्लियरेंस ही नहीं देंगे तो अलेट बॉडी भी काम नहीं कर रही है इट इज स्टार्टिंग टू फील लाइक डब्ल्यू टीओ मोर एंड मोर इट इज वर्किंग फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज जो की डब्ल्यूटीओ का मैंडेट बेसिकली नहीं है आप लोग की क्या राय है मुझे बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में जाने से पहले एक बार बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपने अन अकेडमी परपेक्टिव सीरीज को नहीं देखा है तो पाथ फाइंडर यूट्यूब चैनल पर जाकर के जरूर देखिए अपने यूपीएससी डाउट्स को आप इसके माध्यम से क्लियर कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉरिंग स्टेट यूनिट एंड